अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप जी? जर्मनी का कैसा मौसम है? और अब्बू कैसी तबीयत है उनकी? जी अम्मी, आफरीन जी, आफरीन से पापा तो यही कहती हैं, अब आप बताएं अम्मी मैं क्या करूं? नहीं नहीं अम्मी, अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस आपका और अब्बू का ख्याल है। अम्मी बहुत खिदमत गुजार लड़की है, आप दोनों का बहुत ख्याल रखेगी, आप ही तो यही कहती हैं। आप लोग वैसे ही वहां पे इतने तनहा होते हैं, अकेले होते हैं। आफरीन, वो मैं तो अम्मी से बात कर रहा था, उन्हें समझा रहा था कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज देखो, देखो मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसीलिए तो आपा से कहकर। ना आपको पहले थी और ना अब, पहले आपकी बुजदिली ने आपको पीछे हटा दिया था और अब आपकी खुदगर्जी आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है। आप आगे बढ़े तो सिर्फ अंकल आंटी की वजह से, क्योंकि आपको अपने माँ बाप के लिए केयर टेकर की जरूरत है। नहीं आफरीन, तुम मुझे गलत समझ रही। कोई सफाई मत दे, आपको एक मेड चाहिए ना? कोशिश जारी रखें, मिल जाएगी आपको। भाभी अब आपको बच्चों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये दोनों अब हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। बल्कि मैंने सोचा है कि कल ही जाके इन दोनों के स्कूल के बारे में पता करवाऊंगा और जल्द से जल्द इनका दाखिला भी करवा देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम लोग सारे काम खुद कर लेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे भाभी किस बात का शुक्रिया था? ये दोनों सिर्फ आपके बच्चे नहीं बल्कि हम सबके बच्चे हैं। ताहिर भाई की निशानी है ये दोनों। अब आप, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। बहुत अरसा गफलत में गुजारा है मैंने, अब्बा मेरी आंखें खुल गई हैं। अब्बा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपका और अम्मा का बेटा बनना चाहता हूं, बल्कि एक ऐसा बेटा बनना चाहता हूं जिसपे आप फख्र कर सकें। और मैं दिल से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको आज के बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। 4 महीने हो गए ताहिर भाई को गए, उनकी कमी पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरा बच्चा, मेरा जान, ये तेरा खुश रहो।